फिजियोथेरेपी करवा के आ रहे थे और ये फोन इन्होंने जेब में डाल रखा था और ये इनकी जेब से गिर गया। ये अभी भी वो नहीं देख रहा है, ये हड्डी देखो, इसमें टिश्यू की इंजरी, तो मेरे को पता है कि वो हेयर लाइन हो रहा है। यार हमारे ना एक्चुअली इंजीनियरिंग में पढ़ाया नहीं गया, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा। प्रातःकाल सुबह 8 बजे दोपहर 12 बजे हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर शायर व्लॉग्स। एंड अभी बज रहे हैं, अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30 एंड हमें निकलना पड़ रहा है अर्जेंटली होशियारपुर, क्योंकि डॉक्टर साहब की जैसे कि आप पिछले व्लॉग्स में देख ही रहे हो हालत है नहीं सही। तो एक बार कहाँ जा रहे हैं हम? नहीं वो तो हम जा रहे हैं किसके पास जा रहे हैं बोलो अपने मुंह से, ऑर्थो भी थोड़ा खुल के बोलो ना, वैसे बोलो जैसे मेरे पे चिल्लाते टाइम बोलते हो। ऑर्थो ऐसे तो नहीं चिल्लाते, ऐसे तो तुम प्यार से भी इसी तेज बोल देते हो। तो यार इनकी ना मतलब बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, रात को तो मतलब इन्होंने हम ना मूवी देख रहे थे सेल्फी मैं और शंकी बैठ के, इन्होंने हमारे पे चिल्लाना शुरू कर दिया, हमने मूवी बीच में छोड़नी पड़ गई। अच्छा कोई इनको समझाए, कोई इनको समझाए, एक्चुअली आवाज तेज नहीं थी, जैसे टीवी में नहीं होता यार ये जो जितने भी ये एलजी सोनी वाले जो बड़े वाले टीवी आते हैं ठीक है उनमें क्या होता है बेस वगैरह थोड़ा ज्यादा होता है, तो जैसे कोई बीजीएम वगैरह आता है गाना आता है तो अपने आप ना आवाज बहुत तेज लगती है, और जब कोई जैसे कि सपोज करो कोई डायलॉग वगैरह चल रहा है तो आवाज वही बहुत कम लगती है, तो बीजीएम वगैरह जब भी आ रहे बार बार भैया वो बहुत तेज सुनाई दे रहा हूँ तुम्हें समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा शैंकी बंद कर भाई तू बीमार आदमी, वैसे ही एक वो एडवांटेज हो जाता है विक्टिम कार्ड की, मैं तो बीमार हूँ ठीक है फिर भी वो हो गया, तो मैंने कहा तू बंद कर। तो इनकी इनका चेहरा देख के आप समझ सकते हो कैसे उतरा हुआ है, बेल्ट वेल्ट सारा लगा के बैठे हैं ठीक है, और अब इनको एकदम से चक्कर आने स्टार्ट हो गए, तो इनको ला के दिया लिमका और ये वाला रोड आ गया है तो इस पे बहुत ज्यादा टच किए हैं तो इनको और ज्यादा दिक्कत हो रही है। ये देखो ये रोड पे ये ऐसे ऐसे गड्ढे हैं, बंदा क्या चलाएगा, और बंदे की तबीयत उल्टा खराब ही होगी, अब सही थोड़ी होगी इसमें। सो ये हम आ चुके हैं धामी हॉस्पिटल ठीक है इनको दिखाने, और जस्ट अभी इन्होंने ये अपनी पट्टी उतारी है, कुछ आराम मेरे को लगाने की इस पट्टी से, स्वेलिंग बहुत ज्यादा है। एंड जस्ट अभी मैं आपको एक और अपडेट दे दूं कि मैंने ना टिकट करवा दिया है दिल्ली के लिए कल की, आज है ट्यूसडे कल है वेडनेसडे ठीक है, मैंने कहा यार तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ती जा रही है इस टाइम पे सबसे बेटर मूव यही है कि वहाँ चल लेते हैं, वहाँ पे पंचकर्मा रेगुलर करवाएंगे तो और ज्यादा जल्दी आराम मिलेगा। जाओ शंकी आप निकाल लो वहाँ। तो यार इनके ना थोड़े से नक्षत्र ऐसे चल रहे हैं, क्या कर सकते हैं। यहाँ पे आए हम हॉस्पिटल में जस्ट 1 घंटा पहले, जो डॉक्टर साहब हैं वो कुछ इमरजेंसी मीटिंग के लिए चले गए और वो 3 घंटे बाद अवेलेबल होंगे। अभी हम वैसे दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो हम दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे हैं। मैं जाना नहीं चाहती थी, वो मतलब उनका ऐसे हो गया, पहले जो उनके फादर थे ना वो बहुत अच्छे से अटेंड करते थे, वो उनका बेटा है वो मतलब इतने अच्छे से नहीं वो करते हैं। अक्सर औलाद अपने बने बनाए बाप के काम को बिगाड़ देती है, ऐसा ये कहना चाह रही हैं। तो वैसे यार मैंने ना एक मतलब बैकअप के लिए फटाफट से कल के टिकट्स कर लिया बुक, ताकि कोई भी इशू आए ना बाई चांस इनका 1% भी मन बदलता तो कैंसिल कर देंगे, वरना अपने पास बैकअप के लिए टिकट हो चुकी है। सो अब हम आए दूसरे हॉस्पिटल में, अब यहाँ पे देखते हैं कि डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब को डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। तो यार हुआ क्या, हमने यहाँ अंदर भाई डॉक्टर ने कुछ देखा ही नहीं ठीक है, उसको एक्सरे दिखाई ठीक है, ये अरे स्पाइन में दिक्कत है एक बार आप चेक तो करो, इंजरी है ये है घुटने में पस भर गई है ठीक है, एक साथ एक तरह अंदर 3-3 पेशेंट खड़े कर रखे हैं, एक फीमेल पेशेंट है एटलीस्ट यार उसके स्पाइन में प्रॉब्लम है, 2 बंदे बाहर खड़े रहे ठीक है, 3-3 अंदर लाइन ला के पेशेंट खड़े कर रखे हैं, अच्छा ये अच्छा ऐसे यहाँ पे ये वाली लो जाओ कुछ भी नहीं यार, अभी देखते हैं अब इसी लेना कल दिल्ली निकल रहे हैं, मेरा अब तो यहाँ मन है नहीं कि यहाँ भट के वहाँ पे कुछ बेटर देखते हैं। ये अभी भी वो नहीं देख रहा है, ये हड्डी देखो इसमें टिश्यू की इंजरी, तो मेरे को पता है कि वो हेयर लाइन हो रहा है, तो रिंग गिर गई याद लगा दो, ये देखो पस भर गई इसमें,
यार हमारे ना एक्चुअली इंजीनियरिंग में पढ़ाया नहीं गया तो मेरे को समझ नहीं आ रहा। यार हमारी क्लास में ना ये चीजें पढ़ाई नहीं गई थी तो मैं इसलिए चेक नहीं कर पा रहा कि इंजरी है या नहीं है। तो ये ना अभी हम बात कर रहे हैं नेशनल हाईवे की, ठीक है, जो पंजाब से हिमाचल की तरफ जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है यार कि वो गड्ढे नहीं थे, वो 3D इफेक्ट था एक्चुअली। तो अभी हम लोग ना वापस जा रहे हैं और ये आप इनकी हालत देख ही सकते हो, साथ साथ पेशेंट्स को अटेंड कर रही हैं ये। कोई नहीं, आप करो अटेंड, है ना, मैं और शेंगे ड्राइव कर रहे हैं। अभी एक और आएगा 3D इफेक्ट, देखेंगे अभी यार। अभी एक और 3D इफेक्ट आने वाला है, बेस्ट 3D। ठीक है, और ये आ चुका है। ये कौन सी जगह है एग्जैक्ट? ये चौहाल है। चौहाल चौहाल डैम चौहाल डैम। और ये 3D इफेक्ट, ओ भाई साहब ये देखो। अब एक बात बताओ कि बम्पर कैसे ना लगे भाई साहब। ये देखो ये भाई साहब, तो इनके तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। अभी हम लोग रास्ते में हैं और यहाँ पे बहुत ही विशाल लंगर लगा हुआ है, सिद्ध शक्ति सर्व, मतलब मेरे को पता नहीं है क्या है, विशाल नूर फ्री, टेंशन फ्री, धमाका छल्ला चला। तो जागरण हो रहा है, तो बहुत ही विशाल लंगर लगा हुआ है भैया और भीड़ है बहुत ज्यादा। सो यार ये ना मैं आप लोगों को दिखाना भूल गया था, कल ये उपासना के काम है, कल मैं ये ना शूट करना भूल गया। हम लोग ना फिजियोथेरेपी करवा के आ रहे थे और ये फोन इन्होंने जेब में डाल रखा था और ये इनकी जेब से गिर गया। ये मम्मी का फोन है और इसकी हालत हो गई है ये। और सबसे अच्छी बात शैंकी, ऊपर वाला हटाना, अभी भी इस पे फोन आ रहे हैं मैसेजों के। शैंकी एक बार फोन करना मम्मी वाले पे, अभी आपको ना जादू दिखाते हैं। हे सिरी कॉल मम्मी जी, कॉलिंग मम्मी जी मोबाइल। तो ये अभी भी फोन वगैरह बकायदा इस पे आ रहे हैं। तो अभी जस्ट उपासना को फिजियोथेरेपी के लिए वहां पे छोड़ा है, ठीक है। आज हम लोग गाड़ी में आए हैं, कल जब आ रहे थे स्कूटी पे तब करा इन्होंने काम और मैं कल रात को शूट करना भूल गया क्योंकि इनकी तबीयत इतनी खराब थी। हाँ आप देख आओ, हाँ देख आओ। तो अभी शैंकी जा रहा है अपने फ्रेंड को इसको ठीक करने देने। आंखें खुली हो या हो बंद। तो अभी चल रही है उपासना की फिजियोथेरेपी, तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो उपासना ने फोन किया, हम इसको आए हैं लेने, अब लेके जाएंगे इनको घर पे। अभी थोड़ा थोड़ा सा तो आराम हो रहा है, जब जैसे इनकी फिजियोथेरेपी हो रही है तो थोड़ा थोड़ा आराम मिला, लेकिन बहुत एक्सट्रीम पेन है यार इनको। अभी साथ साथ हम फोन भी दे के आए जो आपने लास्ट क्लिप में देखा था। क्या हो गया? मैं सच में यार पता नहीं किसी की सच में, मेरे को अब तो लग रहा है नजर लग गई, जब से हॉस्पिटल खोला है ना बीमार पड़ी हूँ, कुछ कुछ हो ही जा रहा है। होशियारपुर गए थे वहां तो उसने देखा नहीं, अभी भी इतनी ट्रैक्शन स्टार्ट किया 5 kg से, जो ये वाला वर्टिब्रा इसमें भी कंप्रेशन हुआ है, जो स्पाइन में थोड़ा सिक वाला वो होता है उसमें भी कंप्रेशन है, मतलब इतनी दिक्कत होगी, नजर ही लग गई। और ये इसी वजह से ना हम लोग मतलब अभी तक दिल्ली जा नहीं पाए। फिर भी कल तो मैंने किसी, क्योंकि मम्मी भी बोले कि मम्मी कह रहे कि ना यहाँ आ जाओ, मैं अपना वो धतूरा और बैंगन उसका लोथा दे के, ठीक है, हल्दी लगा के मैं ठीक कर दूंगी। मम्मी का आज भी ना ग्रुप पे मैसेज आ रखा था, कह रहा कि अब यहाँ आ जाओ मैं ठीक करूंगी। तो अब इनको दिल्ली ले जाएंगे, वहां पे छू मंत्र करके मंत्र मार के इनको बिल्कुल ठीक कर देंगे। बेचारी का मुंह पता बिल्कुल उतर गया यार। यार पता क्या होता है, मतलब आप बहुत मेहनत करते हो, इस समय तो मुझे डबल मेहनत करनी थी क्योंकि बहुत सारे मैंने प्रोजेक्ट चीजें सोच रखी थी कि पंचकर्मा में ऐसे करना है ऐसे, और मेरी खुद की हालत, और ये नहीं कि मैं पंचकर्मा खुद पे नहीं कर सकती, लेकिन मेरी स्पाइन में इतनी ज्यादा स्वेलिंग थी, मैंने सोचा था घर रेस्ट हो जाएगी, और मेरे को एक बार कन्फर्म करना था जैसे MRI वगैरह करके बीच में इंजुरी तो नहीं है, क्योंकि यार वो इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। बट यार आज मैं कह रही हूँ डॉक्टरों ने बिजनेस ही बना लिया यार, मतलब मैं अपने पेशेंट्स को इतना टाइम देती हूँ, मेरे जितने भी पेशेंट्स व्लॉग देख रहे होंगे आप लोग बताना कि एक सेटिस्फेक्शन होती है, और इवन जिनसे मैंने फिजियोथेरेपी कराई उनको ही वो है। अब क्या है, मेरे को मेडिसिन भी सूट नहीं करती, एंटीबायोटिक ले रही हूँ, पेन किलर, स्टमक पेन, स्टमक में स्वेलिंग, पता नहीं क्या क्या हो रहा है।
हेलो मैम, मैम एमपी छिंदवाड़ा से बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच मैम, मुझे जो पीसीएडी की प्रॉब्लम पिछले 1.5 से 2 सालों से थी, वो आपके बताए हुए कोर्स से वो 4th मंथ में ही जो मेरे सिस्टर थे वो डिसॉल्व हो चुके थे। आपने 6 मंथ का कोर्स बताया था, पर मेरा 4th मंथ में ही मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी और मैं आज मैरिड हूँ और बहुत ही हैप्पीली आज मैं मतलब कंसीव भी कर चुकी हूँ। तो थैंक यू सो मच मैम, और इस ट्रीटमेंट से मुझे सच में आयुर्वेदा पे विश्वास हो गया है और अब मैं सभी को यही रिकमेंड करती हूँ, अगर किसी को पीसीओडी या कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ वो मैम से कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू मैम।